गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष गुप्ता फ्रॉम शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप। सो स्टूडेंट, लेट्स वी स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज वार एंड पीस विद पाकिस्तान। तो मैडम, इंडिया का पाकिस्तान के साथ में रिलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस से हम बात करें, कोई बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहे। और इंडिया के स्पेशली जो रिलेशन है 1965 के आसपास जो वार इंडिया का क्रिएट हुआ, उसके बाद में 71 के अंदर जो वार हुआ तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशन हमारे उसके बाद ख़राब हुए। 99 के अंदर कारगिल वार क्रिएट हुआ, तो पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी रही है वो शुरू से ही प्रॉक्सी वार की रही है। तो उस बेसिस के ऊपर हमारे इससे रिलेशन भी अलग अलग बेसिस के ऊपर है। और ये प्रॉक्सी वार की जो टेंडेंसी है, ये 1947 में कश्मीर एरिया को लेकर के शुरू से ही इसका जद्दोजहद चलती हुई आ रही है। अब कराची एग्रीमेंट जो कि 18 जुलाई 1949 को साइन हुआ था, तो उससे के अंदर भी जब 1948 के अंदर कबालिये जो फोर्सेस थी उसने पाकिस्तान ने अपने इंडिया के अंदर एंटर करवा दी थी, तो इंडियन फोर्सेस ने उसको वापस बैक करा। और उसके बाद में कराची एग्रीमेंट साइन हुआ था जुलाई 1949 को, और सीज फायर लाइन को जो एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि इसके बाद में कोई वार वगैरह नहीं होगा। तो दो स्ट्रेंथ रिलेशन एग्जिस्टेड बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन कश्मीर इशू, येट बोथ द गवर्नमेंट आर फ्रेंडली। तो अगर इसके बाद देखें तो दोनों ही गवर्नमेंट एक तरह से फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहती है, लेकिन जो इशू है कश्मीर इशू के ऊपर, दोनों के अंदर जो रिलेशन थे दोनों के बेस के ऊपर ही काफ़ी तनावपूर्ण रिलेशन रहे। वर्क टुगेदर फॉर रिहेबिलेशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ देयर ओरिजिनल फैमिलीज। अब दोनों ही गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर एग्री थी कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया जो फीमेल पाकिस्तान में रह गई थी और उनके फैमिली मेम्बर इंडिया में आ गए थे, या जिनकी फीमेल इंडिया में रह गई थी और उनके फैमिली मेम्बर पाकिस्तान में चले गए थे, उन फीमेल्स को उनके घरों के पास में, उनके फैमिली मेम्बर्स के पास में पहुँचाया जाए। तो ये लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट अबाउट द शेयरिंग ऑफ वाटर वाज रिजॉल्व थ्रू द मेडिएशन बाय द वर्ल्ड बैंक। अब जो इंडस रिवर वाटर का के ऊपर एक बहुत लंबे समय तक इशू चला हुआ आ रहा था, इस इशू को भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू सोल्ड कर लिया गया था। जो इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची ऑन सितंबर 19, 1960 बाई देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी, और किस किस के बीच में, हमारे इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ के प्रेसिडेंट और जनरल आर्मी जनरल चीफ मार्शल मोहम्मद अयूब खान, इनके बीच के ऊपर जो ट्रेटी हुई थी उसके बेस के ऊपर ये क्लियर था कि भाई पाकिस्तान इसका 80% वाटर को यूज में लेगा और इंडिया इसके 20% वाटर को यूज में लेगा। अब इंडो पाक वार, तो इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965 वॉज ए क्यूमुलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट टुक प्लेस बिटवीन अप्रैल 1965 एंड सितंबर 1965 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो वार की शुरुआत हुई 1965 के अंदर हुई थी, और अप्रैल 1965 सितंबर 1965 के बीच में हमारा वार चला था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरह से क्लियर हो गया था कि भाई जब 1962 का हम वार चाइना से हारे थे तो इंडियन आर्मी की, इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुई थी और एक उसको कमज़ोर आर्मी के रूप में माना जाता था। तो पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम भी इंडिया को जीत लेंगे, लेकिन उसके बाद में एक तरह से हमारी इंडिया गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर अवेयर हो गई थी। तो 1965 के अंदर इसके बीच में एक ट्रेटी हुई, सीज फायर लाइन 1949 के अंदर चली थी। तो पाकिस्तान क्रॉस द सीज फायर लाइन ऑफ 1945 मेड इन द कराची एग्रीमेंट बाई UNO के थ्रू उसको बनाया गया था, लेकिन उसके बाद में जब 1965 के अंदर जब इन्होंने अटैक कर दिया था तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसका रेस्पॉन्ड किया था। तो इंडिया का जो काउंटर मूव था लेट अगस्त के बाद चालू हुआ, एंड बाई September 1, 1965 द सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट हैड फुली इरप्टेड एज पाकिस्तान लॉन्च्ड एन अटैक अक्रॉस द इंटरनेशनल लाइन ऑफ कंट्रोल इन द साउथ वेस्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो उस समय पर है जो क्या बोलते हैं, इंडिया ने इसको रिटेलिएट करना 1 सितंबर 1965
ये बाद में चालू किया कि जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की जो हमारी इंटरनेशनल लाइन थी उसको क्रॉस करके हमारे ऊपर अटैक कर दिया गया था, तो हॉस्टिलिटीज कैम टू एन एंड विद द यूएन इंटरवेंशन। अब बहुत ज़्यादा जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से इसके अंदर दखलंदाजी करनी पड़ी थी और उसके बाद में इस वार को ख़त्म किया गया था। तो बोथ साइड ऑब्जर्व ए सीज फायर कॉल्ड बाई द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ सितंबर 23 को हमारे कंट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी यूएन के इंटरवेंशन के बेस के ऊपर सीज फायर को डिक्लेयर कर दिया गया था। और लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान साइन ताशकंद एग्रीमेंट के ऊपर दोनों जो नेता थे उन्होंने साइन किया था, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं इंडियन फोर्सेज जो है लाहौर तक वहाँ पर पहुँच गई थी और अंडर उसको पहुँच गई थी। तो द 1965 वार एडेड टू इंडिया ऑलरेडी डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि उस समय हमारी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी नहीं थी और ये जो वार ऊपर क्रिएट हुआ था उसके बाद में तो इकोनॉमिक कंडीशन और भी ख़राब हो गई थी, तो एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे ऊपर क्रिएट होने लग गई थी। अब रिलेशन विद बांग्लादेश की बात करें तो उस समय पर ये हुआ। अब 1971 का जो वार था पाकिस्तान से डायरेक्ट वार ना होकर के बांग्लादेश को ऊपर एक वार क्रिएट हो रहा था। अब बांग्लादेश वार 1970 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। अब यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो था एक अवामी लीग और वेस्ट जो कि ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान, तो जब इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर अवामी लीग जो कि वेस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी उसको एक तरह से बहुमत टाइप मिला था, मेजोरिटी मिली थी, लेकिन उस चीज़ को वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने और वहाँ के लीडर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अल्टीमेटली वहाँ पर एक तरह से वार क्रिएट हो गया था और ईस्ट पाकिस्तान चाहता था कि हम वेस्ट पाकिस्तान से अलग हों। तो आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान नाउ पाकिस्तान जिसको हम बोलते हैं एंड ईस्ट पाकिस्तान जिसको कि बांग्लादेश कहते हैं, इन दोनों के अंदर चला हुआ और ये करीब 9 महीने तक चला। मार्च 26, 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। अब इसके पीछे रीजन जो मैंने अभी बताया, 1970 के अंदर फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुए थे पाकिस्तान के अंदर और जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि वेस्ट पाकिस्तान के एक इमर्जिंग लीडर थे और शेख मुजीबुर रहमान जो कि ईस्ट पाकिस्तान के लीडर थे। अब इनकी जो मेन पार्टी थी उसका नाम था अवामी लीग। तो 1971 के अंदर पाकिस्तान आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीबुर एंड अनलेस्ट रैन ऑफ टेरर ऑन ईस्ट पाकिस्तान, यानी इनको तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी उन्होंने अरेस्ट कर लिया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर लगातार जुर्म ढाते रहे, परेशान उनको करते रहे। तो उसके बेस के ऊपर वहाँ के लोगों ने एक तरह से रिवॉल्ट कर दिया और वो अब ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ मिलिट्री टेंशन ए वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार ब्रोक आउट हो गया, क्योंकि बिकॉज जो बांग्लादेशी थे जिनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था वो लोग इंडिया के अंदर एज ए रिफ्यूजीज के रूप में आने लग गए थे और हम है जो क्या बोलते हैं इस पोजीशन में नहीं थे कि हम उनको एक शेल्टर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा पाए। फिर पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर राजस्थान और पंजाब दोनों तरफ से अटैक कर दिया। तो व्हाइल इंडिया रिटेलिएटेड बाय द अटैकिंग ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट, तो इंडिया दोनों फ्रंट के ऊपर इंडिया ने उस समय पर अटैक किया और उसका प्रत्युत्तर दिया। तो इंडियन आर्मी मेड रैपिड प्रोग्रेस इन ईस्ट पाकिस्तान, तेजी से अंदर आर्मी घुसती चली गई थी और उन्होंने ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया था। पाकिस्तान आर्मी फाइनली सरेंडर टू इंडिया, लास्ट के अंदर उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। तो आफ्टर द वार ए पीस ट्रीटी वॉज साइंड बाई द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज। अब उस समय पर जो लीडर थे इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों के थ्रू ये इसको साइन किया गया और इस एग्रीमेंट को शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया के सामने पाकिस्तान के करीब 90,000 से ज़्यादा 90,000 से ज़्यादा सोल्जर्स ने सरेंडर किया था और ये बिगेस्ट सरेंडर के रूप में जाना जाता है। तो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबर्स डिलेड द 5-ईयर प्लान्स के बेस, इसके बेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ, जो हमारा 5-ईयर प्लान चला हुआ था वो भी है जो अब लेट हो गया। अवेलेबल रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड टू द डिफेंस सेक्टर आफ्टर 1962 के बाद, जो हमारे रिसोर्सेज थे जो पैसा था 1962 के बाद में अब दूसरी जगह पर लगने लगा, डिफेंस ही जाने लगा।
डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962, यानी 1962 से पहले तो हमारे पास वो डिफेंस डिपार्टमेंट ही नहीं था. एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस सप्लाईज इन 1965 के अंदर सप्लाई हुई. तो इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज आफ्टर द वार, तेजी से इसका जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने लगा. अब आता है हमारा इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी. तो इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज बीन शेप्ड बाय द फैक्टर ऑफ द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इट्स सिक्योरिटी एनवायरमेंट सिंस द अर्ली 1960 के बाद से ही हमारी जो न्यूक्लियर एटम या न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर हमारी जो पॉलिसी साफ आने लगी. इंडिया अंडरटुक द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन मई 1974. तो 1974 के अंदर एट द टाइम इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, उस समय पर ही हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया गया था. अब नेहरू ऑलवेज हैड फेथ इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग ए मॉडर्न इंडिया. अब जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, उनका भी सबसे पहले मानना था कि भाई हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी को जो डेवलप किया जाए, जिसके बेस के ऊपर ही मॉडर्न इंडिया को डेवलप किया जा सकता है. तो दिसंबर 1974 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी विजिट पोखरण वेयर इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज कंडक्टेड इन मे 1974. सबसे पहले जो वहाँ पर जाके इंदिरा गांधी ने विजिट किया और मे 1974 को उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लोजन किया. तो ही इनिशिएटेड द न्यूक्लियर प्रोग्राम अंडर द गाइडेंस ऑफ द होमी जहांगीर बाबा एंड डेट वॉज द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ हिज इंडस्ट्रियल प्लान. तो नेहरू जी ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था हमारा, वो एच ए बाबा के अंडर गाइडेंस के अंदर इसको आगे बढ़ाया था. अब नेहरू जी वॉन्टेड टू जनरेट एटोमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज. उनका भी मानना यही था कि भाई जो एटोमिक एनर्जी है उसको शांतिपूर्ण काम के लिए लिया जाए, जस्ट लाइक आपके जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए. तो ही प्लेडेड द सुपर पावर ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. और साथ में उनको ये भी मानना था कि जो सुपर पावर है उनको भी जो क्या बोलते हैं इसके अंदर एक मेन रोल प्ले करना चाहिए, और ये जो हथियारों की जो होड़ बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए. तो फाइव न्यूक्लियर वेपन्स पावर जो उस समय मौजूद थी, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना एंड द फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ट्राइड टू इम्पोज द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब ये जो कंट्रीज थे इन्होंने तो अपने अपने टेस्ट कर लिए थे. अब ये कंट्रीज ये चाहते थे कि अब वर्ल्ड के अंदर कोई दूसरा कंट्री ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाए. तो उन्होंने इसके ऊपर NPT एक ट्रीटी बनाई थी, उसके ऊपर सिग्नेचर करने के लिए फोर्स डाला था. अब इंडिया ने इस चीज़ को फोर्स को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे. इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964 के अंदर कर लिया था. इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज टर्म्ड एज द पीसफुल एक्सप्लोजन के बेस के ऊपर जाना जाता है. द ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स NPT ऑफ 1968 इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफ्रेशन एंड डिसएग्रीमेंट रेजाइन. तो इट ऑब्लाइज द न्यूक्लियर वेपन स्टेट विच आर पार्टीज टू द ट्रीटी, US, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, टू स्ट्राइव फॉर कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इन रिटर्न फॉर विच नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रिफ्रेन फ्रॉम डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स. तो इंडिया का भी ये मानना था कि जो आपके US है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन, यानी जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर थे या फिर जो उस समय पर न्यूक्लियर वेपन्स से लेस कंट्रीज थे, इनका इंडिया का ये कहना था कि इनको भी अपने जो न्यूक्लियर वेपन को डैमेज कर देना चाहिए. उसके बेस के ऊपर क्या होगा कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है वो बिना किसी डर के अपने प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे. क्यों? क्योंकि उनको ये डर नहीं रहेगा कि कोई कंट्री उनके ऊपर इसको रिफ्रेन करेगा. तो फर्दर मोर इट कंटेन्स एन अंडरटेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू कॉपरेट ऑन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. तो उसके बाद में इस चीज़ को डिसाइड किया गया कि भाई हम आपस के अंदर एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज एक पीसफुल पर्पज के हिसाब से किया जाएगा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.